हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त एक्स अंसारी, एक नाज़रीन एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप आज आपका भाई जो है फिर से आया है यमुना नदी के किनारे, और मैं इस टाइम मौजूद हूँ आईटीओ के ऊपर, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। और इस टाइम में जो मैं मौजूद हूँ वो आईटीओ के ऊपर हूँ, लक्ष्मीनगर का जो फ्लाईओवर जाता है उसके नीचे से भी यमुना नदी बहती है। पिछले दो दिन से जो है कंटिन्यूसली गूगल के ऊपर अपडेट आ रही है कि दोबारा से फ्लड जो है आ सकता है, बाढ़ आने की संभावना है दिल्ली के अंदर। तो इसलिए मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ आज आईटीओ के ब्रिज के नीचे, और देखते हैं कि यमुना नदी का जलस्तर कहाँ तक पहुँचा। उसके साथ साथ दिल्ली में बाढ़ क्या आई, दिल्ली बीमारियों की जड़ लेकर आई फ्लू, डेंगू जो इस टाइम जरूरत से ज़्यादा दिल्ली के अंदर चल रहा है, आई फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर तीसरे बंदों को आई फ्लू चल रहा है। स्कूल के अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं कि जिन बच्चों को आई फ्लू हो वो स्कूल ना आए। भारी मात्रा के अंदर चिकन पॉक्स, बच्चों के अंदर तो हमने चिकन पॉक्स सुनी ही थी, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े लोगों को भी चिकन पॉक्स हो रहा है। यानी कि पहली जो बाढ़ जो है अपने साथ बीमारी लेकर आई, वो पहली लेकर आई सबसे पहले चिकन पॉक्स आई दिल्ली के अंदर, उसके बाद आया डेंगू, फिर आया अब जो रनिंग में चल रहा है वो चल रहा है आई फ्लू, और इसके अलावा टाइफाइड और मलेरिया वगैरह तो ये चल ही रही हैं। तो बाढ़ अपने साथ इतने सारी बीमारियों को लेकर आएगी हमें मालूम नहीं था। तो बहरहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नीचे लेकर के यमुना नदी का जलस्तर इस टाइम कितना चल रहा है, और क्या वाकई दिल्ली के अंदर दोबारा से बाढ़ की संभावना बन सकती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में चल के दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे पूरी तरह से बह रही है यमुना नदी, और बिल्कुल मैं अगर आप लोगों को यहाँ के स्तर से दिखाऊं तो बिल्कुल करीब में ही यमुना नदी बह रही है मेरे पीछे। हालांकि यहाँ तक भी जो पानी है वो पिछले 45 सालों के बाद आया है, इतनी चौड़ी नदी कभी नहीं बही। ये सामने मेट्रो का पुल है, और इधर की तरफ देख सकते हैं ये लक्ष्मीनगर का फ्लाईओवर है, इसके नीचे से जो है यमुना नदी बहती है। और पिछले दो दिन से गूगल ने इतनी ज़्यादा वो नोटिफिकेशन दे रहा है गूगल के दिल्ली में दोबारा से फ्लड के हालात बन सकते हैं। आपकी जिस तरह से मैं मौजूदा हालत देख रहा हूँ, और हथनी कुछ बहराइच से भी कंटिन्यू पानी छोड़ा जा रहा है, और कल रात में भी वहाँ से पानी छोड़ा गया है, तो तकरीबन जब हथनी कुंड से कोई पानी छोड़ा जाता है तकरीबन 72 घंटे के आसपास उसको लगते हैं दोबारा दिल्ली आने में। तो फिलहाल पोजिशन जो है वह यहाँ की है, अगर पानी का लेवल जो है बढ़ा भी तो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह हम ऐसा कामना करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि दोबारा से वो हालात नहीं बनेंगे बाढ़ के जिस तरह से राजघाट तक पानी आ गया था। जो 12 जुलाई को जो हालात बने थे वो दोबारा से फिर नहीं बनेंगे कि जिस तरह से राजघाट तक पानी आ गया है, तो पब्लिक को एंजॉय करने का एक मौका मिल गया था। पब्लिक एंजॉय क्या कर रही थी, एक तरीके से गंदा पानी था, हम लोग भी वहाँ पे कवरेज करने के लिए गए थे, लेकिन पब्लिक जिस तरह से नहा रही थी बहरहाल बहता हुआ पानी था पता नहीं, लेकिन अपने साथ जो है वो काफ़ी सारी बीमारियाँ लेकर आया, आई फ्लू लेकर आया है, डेंगू मलेरिया लेकर आया है, चिकन पॉक्स लेकर आया है। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यमुना का जलस्तर कहाँ तक पहुँचा है अभी, और ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये लक्ष्मीनगर का जो फ्लाईओवर है जिसके नीचे से यमुना नदी बहती है, और पानी जो है वो यहाँ तक आ चुका था घाट तक, फिलहाल जो है पानी बिल्कुल नीचे चल रहा है, और यहाँ तक भी जो है सालों बाद 45 सालों के बाद तकरीबन यहाँ तक पानी आया है। और जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि हथनी कुंज की तरफ से कंटिन्यू पानी छोड़ा जा रहा है, और कल भी जो है पानी छोड़ा गया है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में दोबारा से संभावना है बाढ़ आने की। लेकिन जिस तरह का मैं जलस्तर देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि वही सिचुएशन फिर से बनेगी। बाकी पानी का प्रेशर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए बाढ़ क्या आई अपने साथ बीमारियों की जड़ लेकर आई है, कई किस्म की बीमारियाँ जो हैं अपने साथ लेकर आई है। ये एक ऐसी बीमारियां हैं जो आज पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा रही हैं, जिनकी तरफ से अपडेट भी आ रही है बच्चों के स्कूलों के अंदर छुट्टियां भी हो रही हैं आई फ्लू की वजह से, कि जिन बच्चों को आई फ्लू हो रहा है वो बच्चे स्कूल ना आए। तो भाई ये थी आज की हमारी छोटी सी अपडेट, अगर आप लोगों को हमारी अपडेट पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों के लिए जो है हम कंटिन्यू कोई ना कोई वीडियो कोई ना कोई कवरेज जो है लेकर आते हैं, प्रमोशनल वीडियोस लेकर आते हैं, एडवर्टाइजमेंट वीडियोस लेकर आते हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।